बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम लाहौर की एक मेडिसिन की बड़ी मार्केट जो है लोहारी में, वहाँ मौजूद है। यहाँ पर मेडिसिन का कारोबार किया जाता है थोक की बुनियाद पर, और यहाँ से सारी मेडिसिन दूसरे शहरों में जाती है। तो यहाँ पर इसके अलावा और कौन से कारोबार हो रहे हैं ये जानने के लिए आज हम कैसे जवेद साहब के पास आए हैं, तो इनसे हम पूछते हैं कि ये किस किस्म का कारोबार कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी आप? जी हमारे कैसे साहब, नाज़रीन को बताइए कि यहाँ पर आप कौन सा कारोबार कर रहे हैं? मैं बच्चे कैनल खेलते हैं ना, उसके लिए स्लिपरी के लिए यूज़ होता है एक पाउडर जी, उसको आजकल तो डेंटल पाउडर उसको बोलते हैं, लेकिन इसकी हिस्ट्री ये है कि जब हम छोटे थे हम वो टैल्कम पाउडर भी यूज़ कर लिया करते थे। उसके बाद एक इसकी पोजीशन आई कि बोरक उससे सुप्रीम किस्म का हो गया। फिर दो चार दहाइयों के बाद ये एक ग्रेन की सूरत में आ गया, इसको डेंटल पाउडर बोलते हैं। इससे कुछ ज़्यादा स्लिपरी होती है और खेलने वाले ज़्यादा इंजॉय करते हैं इससे, तो यहाँ मैं बोरक और डेंटल का काम करता हूँ जी। तो ये जो पाउडर आप बता रहे हैं, तो ये जस्ट लाइक बॉल टाइप होता है, जैसे गेंद होते हैं? हाँ जी हाँ, ये बारीक बॉल्स होते हैं, कोई बारीक कोई उससे थोड़ा सा मोटा, मुख्तलिफ मैशेज होते हैं। तो नाज़रीन इस वक्त आप देख रहे हैं ये गोल्डन डेंटल पाउडर, ये ब्रांड है इनका, और ये तमाम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इसकी तरसील जारी है। मुख्तलिफ ये आप देख रहे हैं ये इस डिज़ाइन में है, और अगर किसी ने कोई थोड़ी मकदार में लेना हो तो ये छोटे वाला है पाउडर है बोरिक, और ये उससे छोटा है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इसके अंदर क्या मटेरियल है। ये आप देख सकते हैं कि ये अंदर वाला मटेरियल है, बॉल लाइक है। इसके ऊपर जब कैरम का आप खेलते हैं तो बॉल की मदद से ये जल्दी यानी स्लिप होता है, और जो खेल है गेम है उसमें जो खिलाड़ी हैं वो बड़ा इंजॉय महसूस करते हैं, और अपना गोल अचीव करने में उन्हें बड़ी आसानी होती है। तो आप ये बताइए कैसे साहब के किन किन शहरों में ये जाता है? ये मानसेरा, एबटाबाद, पन्नू, कोहाट, सियालकोट, गुजराला, फैसलाबाद, रावलपिंडी, इस तरह दिग्गज शहरों में भी ये जाता है। अच्छा, तो इसकी जो कीमत है ये जो पैकेट है डब्बा जी जी, इसकी क्या कीमत है? ये 290 तो फिर आगे रिटेल में ये कितने का सेल होता है? वो थोड़ा सा अपना मार्जिन 15-20% रख के वो आगे सेल करते हैं। और ये जो पैकेट है इसका, इसमें दो किस्में होती हैं, एक छोटा जार और एक दवाई वाली शीशी जी जी। दवाई वाली जो शीशी है वो 24 होते हैं, ये 200 का है, और जो छोटा जार है वो 190 का है। ठीक है। अच्छा, ये भी पूछना चाहूँगा कि बच्चे जो घर में कैरम बोर्ड खेलते हैं तो उनके लिए ये जो डब्बा है ये कितनी देर के लिए काफ़ी है? ये काफ़ी टाइम निकाल लेता है, इसमें 12 शीशियाँ हैं, तो अगर बच्चे आराम से खेलें तरीके से ज़ाया ना करें तो ये महीना निकल सकता है इससे एक डब्बे से। एक डब्बे से बिल्कुल सही। तो ये भी शो कर लें जी, इसमें ये मटेरियल है? हाँ, ये भी है। ये अच्छा, ये जो कलर है जी जी, तो ये सब में एक जैसे कलर है? हाँ नहीं, वाइट और ये पिंक दो। अच्छा, कलर है। दो कलर है, वाइट और पिंक। बिल्कुल ठीक है। तो अगर कोई आपसे डायरेक्ट बराह रास्त लेना चाहे, दूसरे शहरों से जो लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं वो आपके साथ रब्ता करना चाहे जी जी, तो आप अपना नंबर देना पसंद करेंगे? हाँ जी जी, 0300-0300-424-424-3883 जी। ये तो बड़ा आसान नंबर है जी जी। तो नाज़रीन जो दूसरे सिटी से लोग हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो अगर वो ये कारोबार करना चाहते हैं एक बड़े पैमाने पे या छोटे पैमाने पे, तो आप कैसे जवेद साहब से बराह रास्त रब्ता कायम कर सकते हैं, और
आखिरी बार कैसे साहब ये भी पूछूंगा कि अगर कोई मंगवाना चाहे तो तरीकेकार क्या है, पेमेंट का मोड ऑफ एक्शन क्या है और आप कैसे भेजेंगे? हाँ, वो आजकल लोग ना ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, इजी पैसा जैस कैश या बैंक में, तो हम इधर से माल फिर भेज देते हैं उनको कॉरियर या जो ट्रांसपोर्ट कहते हैं उनके जरिए। जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।